हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर। तो पैंक्रियाटिक कैंसर के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं या क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं वो हम लर्न करेंगे। फर्स्ट जो इसका है क्लिनिकल फीचर, दैट इज़ जॉन्डिस। जॉन्डिस मीन्स देयर इज़ येलोइंग ऑफ द आईज एंड द स्किन। जो पैंक्रियाटिक कैंसर का पेशेंट है उसके जो आईज़ का कलर और स्किन का कलर येलो हो जाता है, और साथ में नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है पेशेंट को। जो उसका स्टूल पास करता है पेशेंट, जहाँ जो फीकल मैटर है वो ग्रीजी होता है, और जो स्टूल का कलर है, जहाँ फीकल मैटर का जो कलर है वो लाइट कलर्ड होता है। नॉर्मली जो है वो ब्राउन कलर होता है, लेकिन पैंक्रियाटिक कैंसर में उसका जो कलर है वो लाइट कलर हो जाता है। एंड दैट फ्लोट्स ऑन द वाटर, मतलब कि जब टॉयलेट में जो स्टूल है, जो फीकल मैटर है वो फ्लोट करता है। नेक्स्ट है कि बैक एक होती है पेशेंट को, स्टमक एक होती है, मतलब दोनों भी हो सकती हैं, या फिर बैक एक हो सकती है, या फिर स्टमक एक या स्टमक पेन हो सकती है। और क्योंकि पैंक्रियास जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड, दोनों तरह का ग्लैंड है, तो पेशेंट को डायबिटीज़ भी हो सकती है, जहाँ पेशेंट का जो ब्लड शुगर है वो हाई भी हो सकता है। वेट लॉस होता है पेशेंट को, और जो मतलब वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। पुअर एपिटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगती है पैंक्रियाटिक कैंसर में। पेशेंट का जो यूरिन पास करता है पेशेंट, उसका जो कलर है वो काफ़ी डार्क हो जाता है। नॉर्मल जो कलर है वो लाइट येलो या एम्बर कलर होता है, लेकिन पैंक्रियाटिक कैंसर में जो यूरिन का कलर है वो काफ़ी डार्क हो जाता है। और इची स्किन होती है पेशेंट को, काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है स्किन पे, जहाँ काफ़ी ज़्यादा खारिश होती है और ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर, और साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द कैंसर ऑफ द पैंक्रियास। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।